नमस्ते साथियों, चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा बोल रही हूँ। आज 18 सितंबर को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने एक नोटिस भेजकर मुझे विधानसभा बुलाया और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज जी की अपील पर मेरी विधायकी से सदस्यता रद्द करने की अपील पर मेरी राय पूछी। मैंने उनसे यही कहा, जब पूछा गया तो यही जवाब दिया कि क्या आपने कांग्रेस की सदस्यता आधिकारिक रूप से कांग्रेस मुख्यालय जाके ग्रहण की है? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने कांग्रेस के मुख्यालय जाकर अभी तक कांग्रेस की आधिकारिक रूप से सदस्यता ग्रहण नहीं की। क्या मैंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता से लिखित में इस्तीफा दे दिया है? तो मैंने यही जवाब दिया, जो सच भी है, कि हाँ, मैंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लिखित में इस्तीफा नहीं दिया है। उसके बाद तस्वीरें श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ दिखाई गई, जो उनके घर पर मेरी एक व्यक्तिगत मुलाकात थी। तो उन तस्वीरों के बारे में जब पूछा गया तो मैंने श्री अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीरें श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ दिखाई, और जो मेरी मुलाकात के मायने थे वो उसी मुलाकात के भी मायने हो सकते हैं। इसके बाद ट्विटर के ऊपर बात आई कि मैंने क्या ट्विटर पे इस तरह का अपना इस्तीफा देने की बात कही है। तो मैंने बिल्कुल पुराने जो ट्वीट सौरभ भारद्वाज जी द्वारा लगातार मुझ पे दबाव बनाया जा रहा था कि मैं पार्टी की और विधायक की प्राथमिकता से विधायक से इस्तीफा दे दूं, उसी दबाव के चलते हुए मैंने ये ट्विटर पे ही घोषणा की, क्योंकि मुझे कहा गया कि आप ट्विटर पे इस्तीफा दे दीजिए, आपका इस्तीफा ट्विटर पे ही स्वीकार कर लिया जाएगा। और मैंने ट्विटर पे बिल्कुल अपने इस्तीफे की घोषणा की। अगर पार्टी उसको कानूनन जो है वो मान्यता मिलती है तो हाँ, मैंने ये किया है। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने के लिए वो सभी दस्तावेज अधिकारी कागजी चाहिए थे तो वो उपलब्ध नहीं हो पाए, ना पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से लिखित में इस्तीफा, ना कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक रूप से ज्वाइनिंग। और इन सब चीजों के बाद थोड़ा मुश्किल लगा कि विधायकी रद्द करना, लोकतंत्र में चुनी हुई विधायक लोगों के मत से चुनकर आई, उसे इतनी हटाना आसान नहीं है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि मैं 19 सितंबर शाम को 4 बजे तक विधायकी से इस्तीफा दे दूं ताकि उनके लिए मेरे खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाए, जो पार्टी केजरीवाल जी के दबाव में उन्हें करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैंने साफ इनकार किया कि मैं विधायकी से, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है, पार्टी से इस्तीफा मांगा गया बार बार, और अपने आत्मसम्मान के लिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, लेकिन विधायक लोगों ने चुना है और मेरे लोगों ने मुझे कहा है कि मैं अंतिम दिन तक खुद अपने हाथों से विधायकी से इस्तीफा ना दूं, जो मैं नहीं दे रही हूं। इसलिए 19 तारीख शाम को 4 बजे तक जो इस्तीफे की मांग की गई, मैंने उसे सम्मान जो है इनकार कर दिया है। अब इसके बाद देखना यह होगा कि क्या मात्र ट्विटर के ऊपर दिए गए इस्तीफों से बिना किसी आधिकारिक सबूतों के क्या विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई करते हैं दबाव में पार्टी के और केजरीवाल जी के, या कानून और नियमों और संविधान के तहत मेरे इस्तीफे का विधानसभा से इंतजार करेंगे। लेकिन दबाव पूरा है, और क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को विदेश आना है 20 तारीख को और 19 को ही कार्रवाई करने को कह दिया गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दबाव में 19 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष तुरंत नोटिस जारी करके चांदनी चौक की विधायकी से मेरी जो कलम है, जो कलम मुझे मेरी जनता ने अपना कीमती वोट देकर सौंपी है, उसे छीनने का काम करेंगे। इससे मेरा शायद कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरी जनता परेशान हो सकती है और उसे मैं परेशान नहीं होने दूंगी। विधायक नहीं भी रही तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का घर चांदनी चौक विधानसभा के तहत आता है। सभी मंत्रियों का घर चांदनी चौक विधानसभा के अंदर है। अपनी जनता को लेकर हर सुबह मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बैठूंगी और काम वहीं से करवाएंगे। काम तो आपको करने होंगे, कलम छीन लीजिए, 5 महीने बचे हैं, 5 महीने के बाद 5 साल के लिए लौटूंगी और बिल्कुल अपनी जनता की हक और अधिकारों की आवाज जो 55 महीने उठाई है, 5 महीने उसे सड़कों से लड़ूंगी और वापस 5 महीने के बाद यकीन है 5 साल के लिए अपनी जनता और अपने कामों के दम पर वापस लौटूंगी। मुझे आपकी कार्रवाई का इंतजार रहेगा और जो कार्रवाई होगी वो मुझे मंजूर होगी। जय हिंद।